Hello everyone, once again welcome back to my channel. This is Sujit and you are watching YouTuber Sujit's YouTube channel. So well guys, in this video I'm going to teach you how to use cane in speaking English and in writing English. So guys, आज के इस वीडियो में आपको यूज ऑफ कैन के बारे में सिखाऊंगा। ये मॉडल नंबर वन है। इसी सीरीज को आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। अगर इसी सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। सो गाइस, आपको ये वीडियो को टिल दी एंड तक देखना है, बिकॉज आपको यूज ऑफ कैन पूरा सीखना है तो डेफिनेटली इसको एंड तक देखना है। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, इस वीडियो में आपको कैन के सारे यूजेस सिखाऊंगा। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि यूज के मैंने इतने सारे मीनिंग्स लिख दिए हिंदी में, तो इनके क्या रियली हम यूज करते हैं? गाइस, डेफिनेटली हम यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट है सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं। सकता हूँ गर्ल्स बॉयज का बॉयज यूज करते हैं, सकती हूँ गर्ल्स और सकते हैं दोनों यूज कर सकते हैं। वैसे ही पा रहा हूँ, पा रही हूँ, पा रहे हैं, ये भी यूज करते हैं। पाता हूँ, पाती हूँ, पाते हैं। अगर आप हिंदी की बात करें, अगर हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेशन करते हैं, ऑलराइट गाइस, तो आपको इन सभी आइडेंटिफिकेशंस को देखना पड़ेगा। आई थिंक आपको पूरा याद ही करना है टोटली, ऑलराइट। सो और अगर इसके बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूँ तो आपको एक नीचे बात में लिखना चाहता हूँ, या मैंने लिख दी है 100% पॉसिबिलिटी और कैपेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है गाइस? 100% पॉसिबिलिटी और कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि आपको वो काम किसी और से करवा रहे हो या किसी और को करने की पॉसिबिलिटी है उसमें। कैपेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी भी है। मतलब अगर सबसे पहली बात देखें तो कैपेबिलिटी होना चाहिए और सेकंड थिंग देखा जाए तो 100% पॉसिबिलिटी देखना चाहिए। एक्चुअली गाइस क्या होता है, हम कैन का यूज सिर्फ हिंदी के यू नो पर्सपेक्टिव से कर देते हैं कि हिंदी देख ली है बस का कर दो। नो गाइस, इसमें आपको कैपेबिलिटी देखना है फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग इज 100% पॉसिबिलिटी। कैपेबिलिटी मतलब कि सामने वाले में क्षमता होनी चाहिए करने की और वो काम 100% उससे होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉसिबिलिटी। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। वेल गाइस, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, आपको ये तो पता होंगे, नॉर्मली सभी को पता होते हैं। तो गाइस, आपको यूज कैसे करना है? आई कैन, वी कैन, यू कैन, दे कैन, ही कैन, शी कैन, इट कैन और एंड नेम कैन। आपको इन सब्जेक्ट्स के साथ एज वेल एज आपको कैन का यूज भी करना है गाइस। एक्चुअली होता क्या है कि हम स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाते हैं। स्ट्रक्चर को समझना बहुत यू नो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा, क्योंकि कैन के बिना आप कैन नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो कैन लगाना जरूरी है, तो कैन लगाना और आपको बस इसी फॉर्म में इसको याद कर लेना है। आई कैन, वी कैन, यू कैन, दे कैन, ही कैन, शी कैन, इट कैन, नेम कैन। ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। वेल गाइस, स्ट्रक्चर्स यहां पर मैंने लिख दिए हैं। सारे स्ट्रक्चर जो यूज होते हैं गाइस, सिक्स टाइप्स के सेंटेंसेस बनते हैं इस कैन के थ्रू, और बाकी सारे जो मोडल्स हैं उनके थ्रू बनते हैं। वहां पर मैंने सारे आपको पीडीएफ में लिख के दे दूंगा मैं आपको। ऑलराइट गाइस, तो आपको देखना है कि सब्जेक्ट कैन, सब्जेक्ट्स में ऊपर मैंने बता दिए, साथ में कैन यूज करना है। बस आपको ये एक्चुअली देखना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है। यू नो गाइस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब क्या होता है, आपको इतना तो पता होगा। टोटल 5 फॉर्म्स होती है, 5 में से आपको फर्स्ट का फॉर्म का यूज करना है। ऑलराइट, और उसके साथ नेक्स्ट नेगेटिव है, फिर थर्ड नंबर पे इंटरोगेटिव है, फोर्थ नंबर पे डबल इंटरोगेटिव है, सॉरी इंटरोगेटिव नेगेटिव है, फिफ्थ नंबर पे डबल इंटरोगेटिव है और सिक्स नंबर पे डबल इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव पर्सन भी यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया है लिखकर। ऑलराइट, इस स्ट्रक्चर को आप याद कर सकते हो, अगर याद कर ले तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो मैंने जो ऊपर की जो स्ट्रैटेजी बताई है, आई, वी, यू, दे, इनके साथ कैन का यूज करो, आप पूरा टोटल यूज समझ जाओगे। और लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स बिलो द स्ट्रक्चर्स। ओके, तो स्ट्रक्चर के नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे, तो आइए उन पे हम मूव करते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। वेल गाइस, लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल्स। एग्जांपल्स मींस आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, अफर्मेटिव से 2 दिए हैं, 2 नेगेटिव से, इंटरोगेटिव से, डबल इंटरोगेटिव के नेगेटिव से, और WH फैमिली और WH फैमिली के नेगेटिव से दिए गए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट है आई कैन कन्विंस देम। अब मुझे देखिए, आई का मतलब तब तो जानते हैं, यू नो गाइस, आई मतलब मैं, कैन मतलब सकता हूँ। अब मैं की बात हो रही है, अगर गर्ल बात करे तो सकती हूँ की बात करेंगे। ऑलराइट, आई कैन कन्विंस देम। अब देखो, कन्विंस यहाँ पर मैंने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। कन्विंस का मतलब होता है मनाना। आई कैन कन्विंस देम, मैं मतलब अगर मैं बात करूँ कि मैं उन्हें मना सकता हूँ, देम मतलब उन्हें, ये एक प्रोनाउन है। ऑलराइट, आई कैन कन्विंस देम, आई कैन कन्विंस देम मतलब मैं उन्हें मना सकता हूँ। ये आप में पॉसिबिलिटी भी है, आप अपने अंदर 100% पॉसिबिलिटी भी दे रहे हो और आपके अंदर जो 100% की जो कैपेबिलिटी है वो भी आप शो कर रहे हो कि आई कैन कन्विंस देम। ऑलराइट गाइस, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई कैन स्पीक इंग्लिश माई सेल्फ। मैं मेरे खुद से इस इंग्लिश को बोल सकता हूँ। आप देख रहे होंगे आई कैन के बाद मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है। इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और माई सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आई थिंक गाइस। ऑलराइट, लेट्स मूव टू थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने नेगेटिव का यूज किया है गाइस। आई कांट वेक अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock।
I can't wake up in the morning at 5 o'clock. मैं 5 बजे नहीं उठ सकता in the morning. Morning में ये in the morning एक small phrase है, इसको ऐसे ही use करना है. Alright, in morning मत use करना, in the morning is the right, you know, phrasal verb. Sorry, phrases. Alright, I can't run so fast. मैं ज़्यादा तेज नहीं दौड़ सकता, मैं बहुत तेज नहीं दौड़ सकता. इसका हिंदी मीनिंग ये हम देख लेंगे. I can't run so fast. ये two examples negative के हो गए. Let's talk about interrogative. Can I watch the television here? आप इसको एक, you know, polite way में बोलेंगे. Can I watch the television? Can I have the tea? या can I have coffee? Can I have a cup of milk? देखो, 6 number के example मैंने ऐसे दिया है. Can I go there? Can I sit here? इस तरह से आप इसको example में use कर सकते. Can I rub the board? Can I drink the water? Can I open the door? Can I close the door? Can I brush up my teeth? In the same way आप speak कर सकते हो. Alright guys, you can see here and you can speak here. I'm using as well as these examples with my students. Alright guys, so can I have tea, can I have coffee, and can I have a cup of milk. Alright guys, so guys यहाँ पर है, can you please tell me something. ये भी interrogative का है. Can you please tell me something, ये बहुत ही use होता है. Can you please tell me something, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो. आप अपने कहीं पर भी conversation start करना है तो आप use कर सकते हैं. Can you please tell me something. और मैं आपको one thing telling कर रहा हूँ कि I'm telling you, आपको अपने own sentences, खुद के sentences बनाने हैं my dear students, because आपको इसमें अगर अच्छी अपनी मास्टरी करना है can में, तो आपके खुद के example बनाइए और उसको अपने real life में, actual life में use कीजिए. That's it. Okay, अब मैं आपके लिए बात करता हूँ. Let's talk about double interrogative. Double interrogative में two example दिए यहाँ पर. How can I do it? मैं इसे कैसे कर सकता हूँ. How can I do it? इसको बनाए कैसे है? आप देख सकते हो W family में W लगाया है. According to structure देख सकते हैं. Can की जगह can लगाया है, I की जगह I, do की जगह do और it की जगह. एकदम right formation है. अगर आपको बड़ा translation भी करना है तो इस form को याद रखना. That's it. बाकी सब equally हो जाएगा. Let's talk about where can I put these stuffs. अभी आपको एक नई चीज सीखने को मिल रही है. Stuffs को क्या बोलते हैं? Stuffs को बोलते हैं सामान, लगेज, आइटम्स. ये सारे हम चीजें यहाँ पे सीख सकते हैं. थिंग्स, तो स्टफ का मतलब एक एडवांस लेवल का वर्ड है, हमने यहाँ पे यूज कर लिया है दीज स्टफ्स. ओके, दीज के साथ प्लूरल वर्ब, सॉरी प्लूरल नाउन लगती है. वेयर कैन आई पुट दीज स्टफ्स. ओके, तो आपको ये भी यूज करना है कि वेयर कैन आई पुट दीज स्टफ्स, कहाँ पे इसको रख सकता हूँ. ऑलराइट, नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क कैन यू हैव. आप कितने ग्लासेस ऑफ मिल्क पीते हो, मतलब कितने ग्लासेस ऑफ मिल्क पीते हो या पी सकते हो. पॉसिबिलिटी देख रहे हैं आपको सामने, आपने क्वेश्चन किया कि कैन यू, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क कैन यू हैव. तो आप अगर पी सकते हो तो आप बोल सकते हो आई कैन हैव 10 ग्लासेस, आई कैन हैव 2 ग्लासेस, आई कैन हैव 3 ग्लासेस, आई कैन हैव 5 ग्लासेस. ये आपके ऊपर, इट्स अप टू यू. ऑलराइट गाइस, तो इस तरह से आप यूज करिए और अपने ओन सेंटेंस, खुद के एक्सपीरियंस वाले सेंटेंसेस बनाइए लाइफ में. सोचिए क्या 9 जो एग्जांपल्स हिंदी वाले जो मैंने आपको ऊपर स्लाइड में बताए हैं, क्या वो रियली यूज हो रहे हैं गाइस. सो गाइस, आपको इसी फॉर्म में इसको याद रखना है. और गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, हैव अ ग्रेट डे गाइस. और आपको इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहना है. बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से आपको मिलने वाली है. सो गाइस, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टेइंग सेफ एट योर होम. सो गाइस, थैंक यू सो मच.